हेलो दोस्तों, वेलकम टू रियाज वर्ल्ड। कुछ ही दिनों में नवरात्रि आने वाला है, तो इसी चीज को ध्यान में रख के मैं व्रत के खाने को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करके नवरात्रि स्पेशल व्रत वाली थाली लेकर आई हूँ। तो आज मेरी थाली में रहेगा सिंगारे के आटे का पूरी, आलू की सब्जी, सामक चावल का पुलाव, फ्रूट सलाद और हरी चटनी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और रेसिपी को बनाते हैं। सबसे पहले मैं बनाऊंगी शामक चावल की पुलाव। तो पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो आलू को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया, हरी मिर्ची, धनिया, अदरक को ग्रेट कर लिया, व्रत में खाने वाली सेना नमक, करी पत्ता, ब्लैक पेपर पाउडर, घी, मूंगफली और शामक की चावल ले लिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पुलाव को बना लेते हैं। अभी कढ़ाई गर्म हो गया है, एक टेबलस्पून घी डालेंगे। यहाँ पे मैंने क्वार्टर कप मूंगफली ले लिया, मूंगफली को फ्राई कर लेंगे। मूंगफली फ्राई हो गया, इसे उठा लेते हैं एक प्लेट में। व्रत के टाइम पे आप लोग इस तरह से मूंगफली को घी में फ्राई करके ऊपर से थोड़ा सा सेना नमक छिड़क के खा सकते हो, वो भी बहुत अच्छा लगता है। दो आलू को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया, अभी आलू फ्राई कर लेंगे। आलू में मैंने एक चुटकी सेना नमक छिड़क दिया। अभी थोड़ी देर आलू को ढक के फ्राई करते हैं। आलू भी फ्राई हो गया है, इसे एक प्लेट में उठा लेते हैं। अभी एक टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। टोटल मैंने ये पुलाव बनाने में दो टेबलस्पून घी ऐड किया। घी थोड़ा गर्म हो जाए, घी गर्म हो गया है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा करी पत्ता, चार से पांच हरी मिर्ची और एक इंच अदरक के टुकड़ा को घिस के डाल दिया इसमें। इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे, इसे एक बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। यहाँ पे मैंने जीरा नहीं दिया है। अगर आप लोग व्रत में जीरा खाते हो तो यहाँ पे जीरा ऐड कर सकते हो, हाफ टेबल स्पून जीरा ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे जीरा नहीं डाला। ये फ्राई हो गया है, अभी चावल को मैंने धो के 10 मिनट भिगो के रखा था, तो चावल ऐड कर देंगे। चावल को ऐड करके थोड़ी देर फ्राई करेंगे और गैस के फ्लेम को हाई रखेंगे। इसे 2-3 मिनट ऐसे ही फ्राई कर देंगे। हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर डाल देते हैं और व्रत में खाने वाला सेना नमक, ये भी मैंने हाफ टेबल स्पून ऐड किया। आप लोग अपने स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेना। इसको थोड़ी देर ऐसे ही फ्राई करेंगे। 3-4 मिनट फ्राई करके इसमें पानी ऐड करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप चावल लिया, तो 2 कप पानी ऐड करेंगे। चावल से दुगना पानी ऐड करेंगे। इसमें उबाल आ गया है, इसे ढक देंगे और गैस के फ्लेम को मीडियम रख के 5 मिनट ऐसे ही पकाएंगे। ढक्कन खोल के इसको हल्के हाथों से चला के गैस के फ्लेम को एकदम लो कर देंगे और इसको फिर से 5-7 मिनट के लिए पकने देंगे। अभी हम ढक्कन खोलेंगे और इसमें फ्राई किया हुआ आलू और मूंगफली डाल देंगे। इसको फिर से हल्के हाथों से मिला देंगे। ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। हरा धनिया डाल के इसे हल्के हाथों से मिला के गैस ऑफ करके 3-4 मिनट ऐसे ही ढक के रख देंगे, तो तैयार हो जाएगा सामक चावल का पुलाव। अभी हम बनाएंगे सिंगारे के आटा का पूरी। तो यहाँ पे मैंने 1 कप सिंगारा का आटा ले लिया, 1 टीस्पून व्रत में खाने वाली सेना नमक और 2 उबला हुआ आलू ले लिया। इसको ग्रेट कर लेंगे, इसको पतला ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। अब सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। पानी मैंने यहाँ पे रखा है, अगर जरूरत पड़ेगा तो ही पानी डालेंगे। अब इसको मिला के एक टाइट डो तैयार कर लेंगे। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। देखिए डो तैयार हो गया है। ये ज्यादा नरम भी नहीं होगा और ज्यादा हार्ड भी नहीं होगा। इसे हम लोग
30 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। आटा तैयार करके 30 मिनट के लिए रख दिया था, तो आटा रेडी है। अब इसमें से एक गोला बनाएंगे, उसमें सूखा सिंगारे का आटा लगाएंगे। सूखा आटा लगा के एकदम हल्के हाथों से बेलेंगे, नहीं तो ना ये टूट जाएगा। गैस हाई कर देते हैं फ्लेम को, अभी पूरी तल लेते हैं। थोड़ा सा दबा देंगे करछी से, फिर पलट देते हैं पूरी को। देखिए कितना फूल रहा है हमारी पूरी, कितना बढ़िया बन रहा है ना पूरी। आलू और सिंगारे का आटा मिला के हम लोग ये पूरी तैयार किए हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। सेम तरीके से बाकी की पूरी भी तल लेते हैं। ये पूरी ना थोड़ा मोटा ही बनेगा, ज्यादा पतला करोगे तो ये फट जाएगा। अभी हम बनाएंगे व्रत में खाने वाले आलू की सब्जी। सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 बड़े बड़े साइज की आलू को ऐसे क्यूब पीसेस में काट लिया, 2 टमाटर को ऐसे बड़े बड़े करके काट लिया, 4 से 5 हरी मिर्ची ले लिया, 1/2 टेबल स्पून सेना नमक यानी कि व्रत में खाने वाले नमक लिया और 1 टेबल स्पून घी ले लिया। तो चलिए सब्जी बना लेते हैं। कढ़ाई गर्म हो गया है, अभी इसमें घी डालेंगे। घी थोड़ा गर्म हो जाए अब इसमें हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। थोड़ा फ्राई हो जाए अब इसमें आलू डाल देंगे। अभी नमक डाल देंगे। टमाटर भी डाल देंगे। आलू को 5 मिनट ऐसे ही भून लेंगे। आलू फ्राई हो गया है, अभी इसमें पानी डालेंगे। टोटल मैंने 1.5 कप पानी डाला। पानी में उबाल आ जाए फिर इसे ढक के पकाएंगे। सब्जी में उबाल आ गया है, अभी हम इसे ढक के 8 से 10 मिनट पकाएंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। 10 मिनट हो गया है, आलू नरम हो गया है और टमाटर भी गल गया है। अभी गैस के फ्लेम हाई करेंगे और पानी को थोड़ा सा सूखा कर लेंगे। सब्जी तैयार हो गया है, गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। तो तैयार हो गया है हमारा व्रत में खाने वाली आलू की सब्जी। तो दोस्तों चलिए अभी हम व्रत के लिए फ्रूट सलाद तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक खीरा को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, एक एप्पल को भी ऐसे छोटे छोटे करके काट लिया है, व्रत में खाने वाला सेना नमक, चीनी, दही, काजू और किशमिश और काली मिर्च का पाउडर ले लिया है। तो तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून दही अच्छे से फेंट के इसमें डाल देंगे, 1/2 टेबलस्पून काजू और 1/2 टेबलस्पून किशमिश लिया है वो भी डाल देंगे, 1 टीस्पून पाउडर शुगर ले लिया है, 1/4 चम्मच नमक डाला है और ब्लैक पेपर पाउडर भी अपने स्वाद के हिसाब से डाल लेना। सारी चीजों को डाल के अच्छे से मिला देंगे। तो देखिए हमारा फ्रूट सलाद भी तैयार हो गया है। अभी बनाऊंगी धनिया और दही की चटनी। तो यहाँ पे मैंने 1 मुट्ठी धनिया, 3 हरी मिर्च, 2 टेबलस्पून दही, 1/2 टीस्पून व्रत में खाने वाली नमक और 2 टेबलस्पून पानी ऐड करके चटनी बना लेंगे। तो दोस्तों चटनी भी तैयार हो गया है, तो चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने सिंगारा के आटे की पूरी बनाया, आलू की सब्जी, सामक चावल का पुलाव, फ्रूट सलाद और हरी चटनी। तो तैयार है हमारा व्रत की थाली। तो आप सब घर पे बनाइए और मुझे कमेंट करके बताना कैसी लगी आपको ये नवरात्रि स्पेशल व्रत वाली थाली।